राम राम दोस्तों, हम आपकी चुगल किशोरी। कैसे हैं आप लोग? भाई हम तो रोज की तरह अपने चुगलियों से भरी सेंटा क्लॉज की पोटली आपके पास लेकर आए हैं। अब अनुपमा में जीरो से अनुपमा की शुरुआत हो चुकी है, लेकिन खुशी की बात ये भी है कि भाई अनुपमा को नौकरी मिल गई है। अब बेचारी झाड़ू पोछा करके ही सही, लेकिन पैसे कमा लेगी। तो वहीं अनुज किसी लड़की के चक्कर में पागल है, जबकि ये रिश्ता में रोहित का दिल चकनाचूर होने वाला है, क्योंकि उसे पता चल जाएगा कि उसके भाई और उसके लुगाई दोनों का चक्कर था और वो इसी की वजह से उसे भाव नहीं दे रही थी। जबकि गुम है किसी के प्यार में रीवा ईशान पर गोंद की तरह चिपक गई है और अब ईशान भी भूला बिछड़ा प्यार याद करने लगा है। अब ये तो थी मोटा मोटी जानकारी, लेकिन पूरी जानकारी के लिए रोज की तरह आपको हमारा शो देखना होगा। तो चलिए पहले अमेरिका चलते हैं और जानते हैं कि अनुपमा आज क्या कर रही है। अनुपमा में अनुज 5 साल में बहुत ज़्यादा बदल गया है। अब तो वो अनुपमा को भूल एक जवान फूल को अपने साथ लेकर घूम रहा है और उसकी तो एक बेटी भी है। मतलब हर चीज़ में अनुज बहुत आगे निकल गया है और अनुपमा जहाँ पहले थी वहाँ से भी पीछे हो गई है। उसको नौकरी तो मिल गई है, लेकिन वो भी झाड़ू पोछा करने की, मतलब विदेश आकर भी बेचारी पुराने काम ही करेगी। लेकिन बात वही है ना कि अनुपमा के लिए कोई काम ना छोटा है ना बड़ा। अब वो है भी तो अनुपमा, जिसमें खुद में माँ है। आज होता ये है कि अनुज का एक बड़ा शो होने वाला है जिसमें वो पूरी मदद करता है, लेकिन पुराने गाना बजने के बाद उसे अनुपमा की याद आ जाती है तो वो गाने को बंद करा देता है। वहीं दूसरी तरफ अनुपमा अपने कमाए पैसों से पानी और खाना खरीदती है और रेस्टोरेंट में बैठकर खाती है, लेकिन तभी रेस्टोरेंट का मालिक आता है जो भारतीय है। अब अनुपमा उससे परिचय देती है और नौकरी की भीख मांगती है, लेकिन मालिक का कहना है कि अगर भीख ही मांगनी है तो इंडिया में जाकर मांगो, इतनी दूर आने की क्या ज़रूरत है। लेकिन अनुपमा को तो काम चाहिए। वो कहती है कि वो एक माँ है, डांसर है, कलाकार है। अब रेस्टोरेंट का मालिक भी अनुपमा को झाड़ू पोछे की नौकरी दे देता है और अनुपमा भी खुशी खुशी करने को तैयार हो जाती है, लेकिन अनुपमा को नौकरी पर तभी रखा जाएगा जब उसका काम अच्छा होगा। वहीं दूसरी तरफ अनुज यानी एके का शो हो रहा है, जहां मॉडल अपने हुस्न के जलवे बिखेर रही हैं और बड़े बड़े लोग और मीडिया देखने के लिए आए हैं। अब अनुज खुद भी रैंप पर अपने जलवे दिखाता है। अब अनुज बिजनेस के साथ साथ मॉडल भी बन गया है। अब शो में आद्या नाम की लड़की की एंट्री होगी, जिसे अनुज अपनी बेटी बताएगा और शो का सारा क्रेडिट भी उसे दे देगा। वहीं दूसरी तरफ अनुपमा बर्तन धोने में ही काफ़ी खुश है। वहाँ उसकी दोस्ती खाना बनाने वाले शेफ विक्रम से हो चुकी है। अब आगे आने वाले एपिसोड में श्रुति नाम की लड़की की एंट्री होगी, जो अनुज के काफ़ी करीब है। अब श्रुति अनुज को गले लगा लेती है और अनुपमा देख भी नहीं पाती। वहीं ये रिश्ता क्या कहलाता है में अभीरा के लिए आज का दिन बहुत ज़्यादा बुरा है, क्योंकि बेचारी को हर तरफ से डांट पड़ रही है। जो आए बेचारी को डांट रहा है, कोई उसकी बात सुन ही नहीं रहा। तो वहीं रोहित का दिल कुलकुला रहा है, क्योंकि उसे रूही के प्यार के बारे में जो पता करना है। अब भगवान भी यही चाहते हैं कि रूही और अरमान का भांडाफोड़ हो जाए, इसलिए तो क्रिसमस पर रोहित को सच पता चल जाएगा। अब बेचारा कैसे अपनी पत्नी और अपने ही भाई के अवैध संबंध को कबूल करेगा। आज होता ये है कि अभीरा रात को अरमान के भाई क्रिश को गाड़ी सिखा रही है। उसका कल का टेस्ट है और वो तीसरी बार ड्राइविंग टेस्ट में फेल नहीं होना चाहता। अब अभीरा उसे गाड़ी पार्क करना सिखाती है, लेकिन क्रिश अपना बैलेंस खो देता है और पीछे खड़ी रूही को टक्कर लग जाती है। अब अभीरा रूही को हटने का इशारा भी करती है, लेकिन रूही को समझ नहीं आता। अब सभी लोग पैनिक हो जाते हैं। रोहित जल्दी जल्दी डॉक्टर को बुलाता है। अरमान अभीरा से सवाल करता है कि ये सब कैसे हुआ। अब अभीरा बताती है कि भाई वो क्रिश को गाड़ी चलाना सिखा रही थी, जिसकी वजह से ये सब हुआ। अब अरमान भड़क जाता है और अभीरा को जमकर सुनाता है कि उसकी गलती की वजह से आज रूही की जान जा सकती थी, लेकिन अभीरा कहती है कि गलती उसकी थी ही नहीं। अब विद्या भी अभीरा को सुनाती है और कमरे में जाने के लिए कह देती है। बेचारी अभीरा गुस्से में पैर पटक कर जवाब देकर निकल जाती है। तो वहीं दूसरी तरफ अपनी गलती को सुधारने के लिए अभीरा रूही के लिए काढ़ा बनाकर भी ले जाती है, तो अरमान वहाँ भी बीच में टपक पड़ता है और कहता है कि भाई रूही से दूर ही रहो। अब अगले दिन स्वर्णा भी आकर अभीरा को सुनाकर चली जाती है। अब आगे आने वाले शो में क्रिसमस का सेलिब्रेशन होना है और रोहित फिर से एक बार अरमान के करीब जाने की कोशिश करेगी और रोहित सारा सच जान जाएगा। अब रोहित को ट्रैवल करने से डॉक्टर ने मना किया है और रोहित को उसकी चिंता सता रही है और वो उसका पूरा ध्यान भी रख रहा है। अब दोनों हनीमून पर जा नहीं सकते। अब अरमान विद्या और दादिसा से अभीरा की गलतियों के लिए माफ़ी भी मांगता है, लेकिन विद्या का कहना है कि भाई तुमने शादी करके ही इतनी बड़ी गलती कर दी है, जिसको अब बदला नहीं जा सकता। वहीं गुम है किसी के प्यार में अक्का साहब जिंदगी और मौत के बीच झूल रही है और सारा इल्ज़ाम है ईशान पर। यशवंत कहता है कि भाई सुरेखा की हालत ईशान की वजह से हुई है, क्योंकि ईशान उसकी ज़िंदगी है। अब ईशान तो ईशा के साथ था और यही बात सुरेखा को लग गई बुरी, जिससे बेचारी की ऐसी हालत हो गई।
वहीं दूसरी तरफ ईशान और रीवा का मिलन हो गया है। अरे भाई, डॉक्टर ने ये बोल दिया कि सुरेखा को जीवन दान मिला है तो सिर्फ और सिर्फ रीवा की वजह से। अब तो ईशान रीवा के गले लग कर उसका हाथ चूम कर उसका धन्यवाद दे रहा है और रीवा के मन में भी उम्मीद जाग गई है कि भाई उसके और ईशान के बीच अभी भी कुछ हो सकता है। और वो भी मौके पर चौका मारती है, उसका ख्याल रखने के बहाने करीब पहुँच जाती है। वहीं दूसरी तरफ सभी रामटेक में अपने परिवार के साथ मजे कर रही है और अपने सम्मान समारोह की तैयारी भी कर रही है। अब सभी लोग मिलकर सभी का हौसला बढ़ा रहे हैं। तो दोस्तों, ये तो थी आज के तीनों सीरियल की पूरी पूरी जानकारी। आपको हमारा शो कैसा लगा हमें लाइक कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ से वो भी कर लीजिएगा। हम आपसे फिर मिलने आएंगे नई जानकारी के साथ। राम राम।